मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। राम मंदिर की आस में कलयुग की शबरी ने 28 साल से नहीं खाया है कुछ भी खाना, यानी कि उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है और अभी भूमि पूजन के दिन तोड़ेगी अपना व्रत। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं। बहुत सारे लोगों की उम्मीद है अभी राम मंदिर के जब वो निर्माण होना शुरू हो रहा है, काफी सारे लोगों की आंखें उसके ऊपर टिकी हुई है। इसके बदले इसी के साथ एक और जो महिला है उन्होंने बहुत ही बड़ी शपथ ली थी, बहुत ही बड़ा एक व्रत रखा था जो कि एक्चुअली में वो भूमि पूजन के दिन तोड़ने वाले। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप कितने ज्यादा खुश हैं राम मंदिर के निर्माण के लिए बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में, या तो राम मंदिर करके कमेंट जरूर करते हुए जाइए। जैसे कि आप लोगों को पता है या आप लोगों को नहीं भी पता हो सकता है तो हम आपको बता दें कि 5 अगस्त को एक्चुअली में जो कि भूमि पूजन है श्री राम मंदिर का, वो अभी उनकी नींव रखने के लिए जा रहे हैं 5 अगस्त को, जिसके बारे में जान के हर कोई काफी ज्यादा खुश है। इस दौरान ही काफी सारे लोगों की इसके ऊपर उम्मीद काफी सालों से टिकी हुई थी, काफी सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से योगदान इस राम मंदिर में दिया है। उस दौरान ही काफी सारे लोगों ने पैसा दिया है, दान किया है, उम्मीदें रखी हैं, और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फास्टिंग की है और इस राम मंदिर बनने के लिए एक्चुअली अन्न तक त्याग दिया है। इस दौरान ही जबलपुर की जो कि उर्मिला देवी जी हैं, एक्चुअली वो 87 साल की हैं, उन्होंने 28 साल से अन्न ग्रहण नहीं किया। ये अन्न ग्रहण उन्होंने तब छोड़ दिया था जब 1992 में बारबी मस्जिद जो कि बारबरी मस्जिद जो है उसका जो ढांचा था उसको गिरा दिया गया था, तब से उन्होंने छोड़ दिया था खाना और उस दौरान ही दूध और फल के ऊपर जी रही थी। अभी वो बोलती हैं कि उनको एक्चुअली में जो राम मंदिर निर्माण है वहां पर जाना है और वहां पर जाके रहना है, पर कोरोना वायरस के चलते हुए वो वहां पर नहीं जा पा रही, उनकी फैमिली वाले उनको लेके नहीं जा पा रहे हैं। उनका कहना ये है कि अगर मेरा शरीर नहीं तो मेरी आत्मा तो वहां पर, मेरा मन तो वहीं पर ही रहेगा। उस दौरान हम आपको ये चीज बता दें कि 1992 में उन्होंने अन्न छोड़ क्यों दिया था, उन्होंने ये चीज बोला था कि जब ये राम मंदिर भाईचारे के ऊपर बनेगा, आपसी समझौती से बनेगा, तब वो अन्न ग्रहण करेंगी, और उनकी जो उम्मीद थी उनका जो त्याग था वो काम आ गया। आज कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इतनी बात बोले कि उसको नहीं बनना चाहिए, आज आपसी सहमति से ये सब चीजें हो रही है, तो उस दौरान ही वो काफी ज्यादा खुश है और खुश होने के साथ वो एक्चुअली 5 अगस्त को जो उनका अन्न ग्रहण उन्होंने 28 साल से नहीं किया था उसको वो त्याग के वो अन्न ग्रहण करेंगी और इस दौरान ही अपनी जो इच्छाएं हैं वो भगवान राम से जरूर मांगेंगी। तो आई होप गाइस आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।